नमस्कार न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप मैं आपके साथ अभिषेक रंजन मेरे पीछे एक मंदिर आप देख रहे होंगे जो बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है बेहद ही प्राचीन मंदिर है साल में छः महीने इस मंदिर में पानी लगा रहता है यानी बाढ़ क्षेत्र होने के कारण ये मंदिर पानी से डूबा रहता है बाकी के छः महीने इस मंदिर में पूजा पाठ होती है यह मंदिर बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध है इसके बारे में जानते हैं खास बातें शंकर कुमार सिंह ऐसे दानी कहता है अच्छा दानी जी इस मंदिर की देखभाल आप ही करते हैं हाँ मंदिर पे आप ही रहते हैं हाँ। पूजा पाठ सभी आप ही करते हाँ। हैं आ, साथ साथ आप नाव भी चलाते हैं इसी मंदिर के जी, जी में ही ना जी 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 क्या विशेषता है कि इतना पुराना यह मंदिर इस मंदिर के बारे में बताइए एक मंदिर इससे पहले छोट भी था वो गिर गया इसके बाद गांव मिल के चाह उस पार ले जाएं मगर नहीं गए बाबा तो अब ये मंदिर बना है आ ये मंदिर भी अब पानी ही तबाह रहता है माटी भी भर देता है इसके बाद जैसे फिर मंदिर का काम शुरू है नदी के एकदम बीच में मंदिर है। हाँ नदी पहले तो नदी उधर था मगर अब काट के नदी बीचो बीच में नदी कर दिया है बीच में नदी के तो ये एक मंदिर है तो क्या क्या मुसीबतें हैं जो इस इलाके के लोगों को देखनी पड़ती है मुसीबत यही है दाहर में दाहर पूरा तबाह करता है बाबा तो साक्षात है बाबा कहीं नहीं जाने है, जो चट्टान जो उठा के कोई ले जाएगा हुँ हुँ। तो ये कितना प्राचीन होगा मंदिर कितना बहुत जमाना से हम सब बचे थे तो बहुत पहला छोटा मंदिर था। हाँ ये दूसरा मंदिर है क्या नाम है बाबा का धनेश्वर नाथ धनेश्वर नाथ क्या पूजा पाठ होता है क्या क्या आयोजन होता है इस मंदिर में पूजा पाठ तो समय से जल्द जल्दी होता है ऐसे बाहर बाहर के भी आते हैं जो जहाँ श्रद्धालु है नैया से सेवा देते हैं अभी चचरी भी उधर बन गया है नहीं, नहीं तो... तो मंदिर के दर्शन करने किसी को आना हो तो कोई कैसे आता है न, नाव से ही आता है नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं नहीं समय से अखनी है अभी तो कम पानी भी है मगर नाव ही नाव ही एकमात्र विकल्प जी है। जी नाव से ही लोग जी आ सकते हैं जी आ इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है कितनी भीड़ लगती है शिवरात्रि वगैरह पे क्या आयोजन बहुत 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 भीड़ लगता है कितने समय तक ये मंदिर पानी में रहता है और क्या पाँच छः महीना छ महीना तो जरूर रहते हैं छह महीना ये पानी में डूबा रहता है हाँ, हाँ, हाँ। छह महीना वो पूजा पाठ पूजा पाठ ऊपर से हुआ हाँ बाबा के पानी और कादो भी भर जाता है छह महीना तक कादो और हाँ, पानी भर हाँ, हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। यानी साल में छह महीने ही हाँ, मंदिर में पूजा होता है